नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आप सभी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ रखते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका पैसा कहाँ सुरक्षित है? जाहिर सी बात कहेंगे आप कहेंगे बैंक। लेकिन जब बैंक में रखा आपका पैसे का फायदा कोई दूसरा शख्स उठाए और फिर उसके बाद वो पैसा लेकर फरार हो जाए और जिस बैंक में आपका पैसा है वो दिवालिया हो जाए, तो क्या तब भी आप यही बात कहेंगे? ठीक वैसे ही जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे तमाम बड़े उद्योगपति फर्जी दस्तावेज देकर बैंकों से मोटा लोन लेकर फरार हो गए और उनके किए की सजा आम इंसान को भुगतनी पड़ी। ऐसी घटनाओं के बाद से प्रशासन इन दिनों बेहद ही सख्त मोड में है। जहां भी किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच CBI ने 3,700 करोड़ रुपए के 30 से ज्यादा बैंक धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार यानी कि 25 मार्च को भोपाल के दो और निवाड़ी के एक ठिकाने के साथ पूरे देश में 11 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें भोपाल के दो बैंक में 200 करोड़ के फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्योति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 196 करोड़ का फर्जी लोन के मामले में FIR दर्ज की थी और वहीं इसी के साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला CBI के कार्रवाई की है। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। CBI सूत्रों के मुताबिक भोपाल के बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज्योति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के संचालक कमलेश और संजय नेमानी ने 196 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसको लेकर दस्तावेजों की जांच के बाद CBI ने अहमदाबाद में 4 और राजकोट में एक ठिकाने पर छापेमारी की। इसी तरह इंडियन ओवरसीज बैंक में, जिसमें सिद्धपाल सिंह भदौरिया की कंपनी ने प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज के आधार पर 4 करोड़ का लोन लिया था, जिसकी शिकायत बैंक प्रबंधन ने CBI में की थी, तो वहीं इन शिकायतों के आधार पर जांच एजेंसी ने सिद्धपाल के भोपाल और निवाड़ी में पैतृक आवास पर छापेमारी की है। इसके साथ ही तत्कालीन बैंक मैनेजर सतीश चंद्र अग्रवाल के आवास पर भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। बता दें कि CBI ने बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी की शिकायतों पर गुरुवार को देश भर में कुल 11 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, जिसमें भोपाल में की गई ये कार्रवाई इसी का हिस्सा है। CBI के मुताबिक कई कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया और बाद में इन कंपनियों के खाते NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गए। इस मामले में IOB, UBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, IDBI, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि बैंक शामिल हैं। CBI ने जिन शहरों में छापे मारे उनमें कानपुर, गाजियाबाद, मथुरा, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, त्रिपुरा, हैदराबाद, जयपुर, श्रीगंगानगर, भोपाल, निवाड़ी, करनाल, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट आदि शामिल हैं। CBI के मुताबिक छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्य यानी कि सबूत बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि विभिन्न बैंकों से कई शिकायतें मिली थी कि जिसमें धोखाधड़ी, लोन डिफॉल्ट, ऋण क्रेडिट सुविधा प्राप्त करते समय कुछ कंपनियों की ओर से फर्जी या जाली दस्तावेज देने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब ऐसी घटनाओं को देखते हुए अब कई सवाल खड़े होते हैं। जब ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं तो इस बार फिर से इस तरह की लापरवाही बैंकों की ओर से कैसे बढ़ती जा रही है? जहां यह बैंक किसी आम आदमी को लोन देने से पहले अपने पास उसके घर, जेवरात, यहां तक कि उस इंसान को भी गिरवी रखवा लेते हैं, तो वहीं बड़े उद्योगपतियों के सामने ये बैंक और इनके जिम्मेदार अधिकारी इतने मूर्ख कैसे हो जाते हैं? क्या तब ये जांच नहीं की जाती? और वहीं जब ये पैसा नहीं चुकाते तो इन पर कोई खास कार्रवाई भी नहीं होती, या तो ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर 4 से 5 साल की सजा, या फिर कई बार तो ये कानूनी शिकंजे से बचकर निकल भी जाते हैं। लेकिन वहीं जब कोई आम इंसान किसी मजबूरी की वजह से पैसा नहीं भर पाता तो उसका ये जीना दुश्वार कर देते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं कि आपका पैसा सच में बैंक में महफूज है? जवाब आपको खुद तलाशना होगा। धन्यवाद।